हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर हम लोग एक नई एक्टिविटी लेके आए आपके सामने, वेरी सिंपल एक्टिविटी। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा एम ये रहता है कि बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस भले ही ना आए, बट उन बच्चों को छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़रूर पता होने चाहिए, ताकि वो अपने आप खुद से भी कुछ चीज़ों को समझ सके और आगे बढ़ सके। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू एक्टिविटी। सो इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट ऑफ पॉइंट में ही मैंने गिवन में दिए हैं कि टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट बोला मैंने इसको, इस एक्टिविटी को, दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यू रिमेंबर मैंने आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में बताया था कि दिस प्रॉपर्टी विल अप्लाई इन द अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। So in this activity we required some material, very common material, cardboard, white paper, colored paper, drawing sheet, cutter, adhesive, geometry box, sketch pens, tracing paper, right? Mostly मेरी जितनी भी activities मैंने CBSE और NCERT से ली हैं, सभी में याद रखिएगा यही छोटी छोटी चीज़ें requirement में, material required में आती हैं। सो नाउ लेट्स बी स्टार्ट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हम इस एक्टिविटी को कैसे तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पीस ऑफ ए कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन इट। मोर ओवर फर्स्ट लाइन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही रहती है, करेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कट आउट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD फ्रॉम ए ड्रॉइंग सीट एंड पेस्ट इट ऑन द कार्डबोर्ड। फिगर वन, बस 5 सेकंड में आ रहा है फिगर वन। एक क्वाड्रिलेटरल कट कर सकते हैं आप बड़े आराम से ड्राइंग शीट्स में, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, फोर साइडेड क्लोज फिगर। थर्ड पॉइंट इज मेक कटआउट्स ऑफ ऑल फोर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर। देखो ट्रेसिंग पेपर का यूज इन सारी एक्टिविटीज में बहुत यूनिकली किया गया है। सो नाउ लेट्स सी कि हमने पहले एक क्वाड्रिलेटरल कट किया था, ये देखिए हमारा क्वाड्रिलेटरल कट किया हुआ आ गया। देन हमने क्या किया था, इनके सभी एंगल्स पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा करके ये एंगल ABCD को भी कट कर लिया था ट्रेसिंग पेपर के थ्रू। ये देखिए ये चारों एंगल आपको दिख रहे हैं, दिस इज द एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी सॉरी डी एंड दिस इज द सी। तो व्हेन वी कट ऑल दीज फोर एंगल्स देन अरेंज द फोर कटआउट्स एंगल्स एट ए पॉइंट ओ as shown in the figure number 3. So see the figure number 3. This is your figure number 3, no doubt. तो इसमें जब हमने फोर एंगल्स को अरेंज किया, तो देखिए एंगल ए ने आप इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, एंगल बी का आपका अरेंजमेंट यहाँ हो गया, एंगल सी का अरेंजमेंट देखिए ये हो गया, और लास्ट में जो रेड एंगल है आपका एंगल डी हो गया। सो हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, वी डेमोन्स्ट्रेट द वर्टेक्स ऑफ ईच कटआउट एंगल क्वाइंसाइड्स एट द पॉइंट ओ। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये क्वाइंसाइड्स क्या होता है, क्वाइंसाइड्स होता है एक पॉइंट पर दूसरा पॉइंट बना दो, दो पॉइंट बन गए, दो पे तीसरा पॉइंट बना दो। अरे मैंने फर्स्ट एंगल ए रखा, फिर उसी वर्टेक्स ओ पर एंगल बी को पुट किया, फिर उसी पर एंगल सी को पुट किया, दे क्वाइंसाइड्स ईच अदर एट वॉट पॉइंट, ओ पॉइंट, ओ पर सभी क्वाइंसाइड्स हो गए, राइट। Such arrangement of cutouts shows that the sum of the angles of a quadrilateral forms a complete angle. ये देखिए complete angle, ये देखिए complete angle, complete angle, पूरा round ले गए आप complete angle, that is equal to 360 degree. So very simplest activities से बच्चे को बताना है कि what is the angle sum property of triangle, what is the angle sum property of quadrilateral. आसानी से समझ जाएगा, कंप्लीट एंगल उसका जाना हुआ देखा हुआ है 6th, 7th, 8th में, नो डाउट। सो नाउ व्हाट वी मेक द ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वी मेजर एंगल ए, बिल्कुल डिग्री में मेजर करेंगे इसको कितने डिग्री है। देन वी मेजर एंगल बी, प्रोटेक्टर की हेल्प से बी को भी मेजर करेंगे, डी को भी मेजर करेंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत से बच्चों को जब एक्टिविटी रिटन में मिल जाती है तो वो भी एंगल ए डॉट डॉट डॉट, एंगल बी डॉट डॉट डॉट, ऐसी मैथ्स मत पढ़ो भैया, मेजरमेंट तो कर लो कम से कम, किससे, प्रोटेक्टर से, राइट। एंड लास्ट इज योर एंगल सी।
When you measurement all these four angles, then please do the sum of angle A plus B plus C plus D. So what should be the sum of all four angles? It will be 360 degree. So now quickly let's we discuss about the application of this property. This property can be used in solving problems relating to the special types of quadrilateral, correct? Such as trapezium, such as parallelograms, rhombuses, square, rectangle normally hai, right angle ye hote hai, 90-90, no doubt, etc. So my dear students, thank you very much. Have a nice day. इसी तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताइए कि देखो कितने सिंपल तरीके से एक बच्चा शो कर सकता है, प्रूव कर सकता है कि क्वाड्रिलेटरल के फोर इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अगेन थैंक यू वेरी मच। अब आपको इस एक्टिविटी को जब भी कभी अप्लाई करें तो ज़रूर याद आएगा कि सर के साथ ये एक्टिविटी की थी, तो उसके लिए एक सिंपल सा लाइक और एक शेयर तो इस वीडियो को बनता ही है, बनता है ना। थैंक यू वेरी मच।